हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 पावर पॉइंट पार्ट 1। टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज यूज्ड टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। ओके, पावर पॉइंट का यूज़ किस लिए होता है? सो क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन होता है उसे अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज स्लाइड? द बेसिक यूनिट दैट यू वर्क विथ इन पावर पॉइंट इज अ स्लाइड। द बेसिक यूनिट दैट यू वर्क विथ इन पावर पॉइंट इज अ स्लाइड। What is presentation? A series of slides is called a presentation. A series of slide is called a presentation. Slide की जो series होती है उसे हम presentation कहते हैं। Now next topic is how to start PowerPoint. First, स्विच ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहले आपको कंप्यूटर की स्विच ऑन करनी है। सेकंड, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू सी द स्टार्ट मेनू। थर्ड, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम टू सी अ सब मेनू। फोर्थ, ऑन दैट सब मेनू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर to open it. See, this is Microsoft Office option. Okay, सबसे पहले आपको क्या करना है? कंप्यूटर की स्विच ऑन करनी है। सेकेंड, स्टार्ट बटन क्लिक करना है। थर्ड, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम टू सी अ सब मेनू। ऑल प्रोग्राम पर पॉइंट करना है ताकि आप सारे सब मेनूज को देख सके। फोर्थ, ऑन दैट सब मेनू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर टू ओपन इट। एंड लास्ट, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। यू विल सी द पावर पॉइंट विंडो ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आपको ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 है वहाँ पर क्लिक करना है। सी, दिस इज द पावर पॉइंट विंडो। यू कैन सी हियर टाइटल बार, मेनू बार, रिबन, स्लाइड्स स्लैश आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन, स्टेटस बार, नोट्स पेन, प्लेस होल्डर एक्सेट्रा। नाउ we will get more information about these things. So our next topic is PowerPoint window. In that, first title bar. This is the picture of title bar. Okay, in the center of the title bar you can see the name of the program, presentation 1, Microsoft PowerPoint. In the center of the title bar you can see the name of the program, presentation 1, Microsoft PowerPoint. On the left hand corner you can see office button. Click on this button to open, save or print your presentation. The quick access toolbar has tools like save, undo, repeat, slash, redo, which are used many times while creating a presentation. Quick access toolbar. Okay, on the right hand corner you can see three buttons,
minimize, restore down and close. While using any icon, you should remember this thing. If you place the mouse pointer over an icon for a few seconds, you will see a screen tip, which shows the name and function of that button. Click on minimize button, the PowerPoint window disappears from the desktop. Now you can only see its icon button on the taskbar. To see PowerPoint window again, just click on its icon button, this on the taskbar. Click on restore down button. Okay, iska use kya hota hai? The PowerPoint window become smaller. Restore down button par click karte hi PowerPoint window hai wo small ho jayegi. In the smaller window, restore down changes to maximize button on maximize button to see the window in its original size again. Now click on close button, the PowerPoint window. Okay, close button पर क्लिक करते ही जो PowerPoint की विंडो है वो क्लोज हो जाएगी. तो यहाँ पर जब आप मिनिमाइज बटन पर क्लिक करोगे तो जो PowerPoint की विंडो है वो डेस्कटॉप पर से डिसअपियर हो जाएगी. ओके, और आपको सिर्फ ये बटन टास्क बार पर शो होगा. ओके, देन आपको फिर से ये विंडो उसके ओरिजिनल साइज में देखनी है तो आपको ये बटन पर फिर से क्लिक करना होगा. नाउ रिस्टोर डाउन बटन. रिस्टोर डाउन बटन का यूज़ होता है PowerPoint विंडो को स्मॉल करने के लिए. जैसे ही आपने रिस्टोर बटन का यूज़ PowerPoint विंडो को स्मॉल करने के लिए किया, उसके बाद रिस्टोर डाउन बटन मैक्सिमाइज बटन में चेंज हो जाएगा. ओके, और मैक्सिमाइज बटन का यूज़ विंडो को उसकी ओरिजिनल साइज में फिर से देखने के लिए हम यूज़ करते हैं. एंड क्लोज बटन का यूज़ PowerPoint विंडो को क्लोज करने के लिए होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेनू बार. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेनू बार. ओके, द मेनू बार हैज़ द फॉलोइंग टैब्स. फर्स्ट होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड, शो, रिव्यू एंड व्यू. होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू. व्हेन यू क्लिक ऑन द टैब, द रिबन बिलो डिस्प्ले द रिलेटेड टूल्स दैट हेल्प यू to create and work with slides. For example, click on the home tab, the ribbon below displays tools that help you to select the font style, paragraph style and also tools to cut, copy and paste selected text. It also has tools to select text and find or replace text. होम टैब पर क्लिक करने से आप फॉन्ट के फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फिर कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो. टू गेट एनी हेल्प टू यूज़ पावर पॉइंट, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट हेल्प. ओके, ये बटन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट हेल्प बटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मेनू बार. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट हेल्प बटन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड पेन. द स्लाइड पेन शोज द एक्टिव स्लाइड, द स्लाइड दैट यू आर वर्किंग ऑन
currently. You can see how your text looks on the slide and also edit it. You can add graphics, sound and animation to a slide on the slide pen. The two boxes with dotted outlines are called place holder. They tell you that what kind of information you have to type in them. PowerPoint opens with title slide as the default active slide on the slide pen. You can see two placeholder on it for the title and subtitle of the slide. First hai title and second subtitle slide. Okay, और ये by default open होती है. Now next topic is slide slash outline pen. The slides outline pen has two tabs, slides tab and outline tab. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो ये first है slide tab and second outline tab. The slides tab shows thumbnail means smaller version of each slide on the slide pen. Okay, slide pen में slide की आप small version, एक छोटी सी size में आप पूरी size slide को देख सकते हो. When you have many slides, you can click a thumbnail on the slides tab to make the slide appear on the slide pen. You can drag thumbnail to rearrange the slides in your presentation. You can also add or delete slides on the slides tab. Okay, आपके पास अगर एक से ज़्यादा slides हो तो आप thumbnail पर क्लिक करके slides के सारी जो slides होती है उसकी small version में आप सारी slides को देख सकते हो और उसको you can drag thumbnail to rearrange the slides in the presentation. और आप फिर से slides को rearrange भी कर सकते हो और slides को delete भी कर सकते हो. The outline tab is used to see the text of each slide. When you click on the outline tab, the pen appears as shown here. It shows the slide number and icon of the slide. यहाँ पर आप देख सकते हो slide का number भी यहाँ पर show किया है. The text of the slide appears next to it. Next, notes pen. The notes pen is used to type notes of the current slide. Current slide में जो अपनी current slide होती है उसमें notes को type करने के लिए notes pen का use हम करते हैं. It is any extra information that you want to share with the audience. It is also used when you want to give a printed copy of your presentation. Next, status bar. The status bar shows the current status of the presentation, like slide number of the active slide. यहाँ पर दिया है slide 1 of 1. On the right hand side, you can see the view toolbar. It shows three views. First, normal. Second, slide sorter. And third, slide show. Slides are created and edited in normal view. Okay, normal view में क्या होता है, slides को हम create कर सकते हैं और edit कर सकते हैं. On the right hand corner, you can see zoom slider, which is used to increase or decrease the zoom level of the slide. Okay, so dear students, here our part 1 is completed and Part 2 we will see in our next video.